हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए, हम लोग आज पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करते हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए, पार्ट फर्स्ट में हमने बताया फॉर्मूलों को, दूसरे पार्ट में हमने बताया उसके छोटे छोटे क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके ना वो कैसे बन सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ये हमें प्रूव करना। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को ले लेते हैं। देखिए, तो एलएचएस हमने ले लिया, यानी कि टेन इनवर्स ए अपॉन बी और माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए, सबके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फार्मूला लगेगा, ये आपको आना चाहिए। होता है आपका टेन इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स वाई, अगर है तो ये आपका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स और माइनस वाई, एक्स और ये वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स। सॉल्व कर लेते हैं इसका, मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। देखिए, ए से ए का मल्टीप्लाई कराया तो ए स्क्वायर, ए का बी से कराया तो प्लस का ए बी, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बी का ए से मल्टीप्लाई तो ए बी, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में। देखिए, अपॉन में बी और ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए कैंसिल हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए। अपॉन यहाँ पर देखिए, इस चीज़ का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का ए से कराएंगे तो ए बी, और इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, बी का बी से कराया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वन से कराएंगे तो प्लस का बी स्क्वायर, प्लस ए का ए से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर, ए का बी से तो माइनस का ए बी। अब आप देखिए, ए बी कट गया, ए बी कट गया, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी टोटल सब कैंसिल हो गया, तो बचा अंदर कितना वन, कितना बचा अंदर वन। अब देखिए टेन इनवर्स, अब बताइए टेन में वन वैल्यू किसकी होती, तो आप बोलेंगे ये तो होती है टेन पाई बाई फोर की। अब टेन टेन भी कैंसिल आ गया, कितना पाई बाई फोर, यानी कि क्या हो गया आपका प्रूफ। ठीक, एल एच एस बराबर आर एच एस, केवल फार्मूला लगाना बस हो जाता है। देखिए, दूसरा लॉन्ग आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उसको देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका लिखा हुआ है टेन इनवर्स, प्रूव करना है आपको टेन इनवर्स वन और प्लस टेन इनवर्स टू और प्लस टेन इनवर्स थ्री इज इक्वल टू पाई। टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स टू, टेन इनवर्स थ्री इज इक्वल टू पाई, ये आपको दे रखा है। तो देखिए, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आपको फिर क्या कर देना है, एल एच एस उठा लीजिए, एल एच एस, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, इसका एक भी फार्मूला होता है, या आप अगर आपको ये फार्मूला नहीं लगा पाते, देखिए इसका सिंपल फार्मूला होता है, अगर लिखा है टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड, इसका देखिए फार्मूला आपका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई और प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। या अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही ना, तो इसमें एक्स और वाई लगा दीजिए, फिर जितनी चीज़ सॉल्व होकर आए ना उसमें फिर फार्मूला लगा दीजिए। कैसे, देखिए आप इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई, तो फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई और प्लस टेन इनवर्स थ्री को एज इट इज लिखा रहने दीजिए आप। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर हो जाएगा थ्री अपॉन वन माइनस वन माइनस टू वन या टू, तो वन से टू गया तो कितना बचा, माइनस का वन बचा। ठीक, और प्लस में आपका कितना बचा, ये बचा हमारा टेन इनवर्स थ्री। तो यह इसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपका बचा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के अंदर आपका बचा माइनस का थ्री और प्लस, ये आपका हो गया टेन इनवर्स थ्री, बचा कि नहीं बचा। ठीक, अब इसमें फिर आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस माइनस एक्स और प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो एक्स इंटू, और इसकी जगह देखिए यहाँ पर माइनस थ्री ना, तो माइनस का थ्री। अब आप देखिए, प्लस का थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, जीरो, तो हो गया टेन इनवर्स जीरो। अब बताइए टेन में जीरो वैल्यू किसकी होती है, तो आप बोलेंगे टेन पाई की, टेन पाई का मतलब वन एट्टी, टेन पाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं वन एट्टी, जीरो लिख दिया हम जीरो, क्योंकि टेन जी पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है, तो टेन टेन कैंसिल, यानी आंसर कितना आ गया पाई, कितना आ गया पाई। बात समझ रहे हैं ना सब लोग, गुड।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। अगला आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो देखिए, अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको लिखा मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका। कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा, यानी ये लिखा हुआ इफ़ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव। तब हमें प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करना है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी और कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, यानी इतनी चीज़ हमको प्रूव करना है, ये आपको गिवेन है, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पर आपको कैसे प्रूव करते हैं इसको। देखिए आपका लिखा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा। आप देखिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, फॉर्मूले ही मेन काम है। जैसे हम आपसे बोल दें कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई ये बराबर क्या होता, तो आप बोलेंगे कॉस इनवर्स ये होता है एक्स वाई और माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता। तो ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला पुट करिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई। देखिए एक्स की जगह कितना है एक्स अपॉन इन टू वाई की जगह है वाई अपॉन बी, तो हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वाई की जगह देखिए कितना है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ये देखिए हमने आपको समझने के लिए लिखा दिया था, इसको रफ किया। आप देखिए यहाँ से करेंगे क्या, ये कॉस इनवर्स है उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ आपका बचेगा कितना एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस, यहाँ पर आप एलसीएम बराबर कीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, प्लस अंडर रूट, या फिर आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए कुछ मत करिए, अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब करेंगे क्या, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखिए या फिर ऐसे करिए थोड़ा सा, इसको लिख दीजिए एक्स वाई अपॉन ए बी, ये कॉस अल्फा इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, ये माइनस का उस उधर ले जाएंगे टोटल क्या हो जाएगा प्लस का, तो आपका बचेगा क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप दोनों साइड को क्या कर देंगे स्क्वायर, क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें प्रूव करने में अंडर रूट आ ही नहीं रहा, यहाँ तो अंडर रूट बन रहा, तो करेंगे क्या फिर स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब आता होगा आपको ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी और कॉस इज इक्वल टू, इस पर स्क्वायर करेंगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इतना ही तो होगा ना, गुड। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा में तो प्रूव करने में जाना ही नहीं, उसमें तो साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, तो करेंगे क्या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस का टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करें, देखिए वन का वन से तो वन, वन का इससे करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस का वन से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक, सिंपल मल्टीप्लाई कराया। अब देखिए ये और ये वाली वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक। अब देखिए करेंगे क्या, जितना आपको प्रूव करने में आ रहा ना देखिए उतनी दिन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो करेंगे क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस का इधर लेकर आएंगे तो प्लस का, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी इधर माइनस का इधर लेकर आएंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर देखिए इसमें आ रहा माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा, तो इस चीज़ को एज इट इज नोट कर लीजिए माइनस का टू एक्स वाई अपॉन ए बी
और कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ साइन स्क्वायर, अब ये आपका वन से वन भी कैंसिल हो गया, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का उस साइड में लिख गया तो क्या हो गया प्लस का, तो यह हो गया आपका रूट। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका और इम्पोर्टेंट बनता है। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने, गुड। अगला क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है वो है आपका हाँ ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। टैन इनवर्स अल्फा लिखा हुआ है आपका, इफ टैन इनवर्स अल्फा प्लस टैन इनवर्स बीटा, टैन इनवर्स बीटा और प्लस टैन इनवर्स गामा, टैन इनवर्स गामा कैसे लिखते हैं, गामा ठीक और इज इक्वल टू, एक ही जैसा हो गया, गामा को ऐसे लिख दीजिए, टैन इनवर्स अल्फा टैन इनवर्स बीटा प्लस टैन इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई, ये आपको क्वेश्चन गिवेन है ठीक, कॉमा प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव आपको करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में हर बात आते हैं, इसलिए इस चीज़ को इसको तो स्टार लगाकर नोट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए करेंगे क्या, टेन इनवर्स अल्फा टेन इनवर्स बीटा टेन इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई दे रखा, देखिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर आपका होता है टेन इनवर्स, ये बराबर आपका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई और प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई और प्लस माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये इस फॉर्मूले होते हैं ठीक, आपको आने चाहिए सारी चीज़ें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे टेन इनवर्स एक्स जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका एक्स की जगह अल्फा और प्लस बीटा और प्लस गामा अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा और माइनस गामा अल्फा इज इक्वल टू पाई, या देखिए टेन इनवर्स पाई पाई टेन इनवर्स है उधर जाएगा तो टेन में हो जाएगा केवल टेन, तो आपका हो जाएगा अल्फा और प्लस बीटा अपॉन प्लस गामा अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा और माइनस बीटा गामा, देखिए ये आपके फॉर्मूला ऐसे होता है टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर ये आपका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड होता है ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अपॉन वन माइनस एक्स वाई और माइनस का वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये एग्जैक्ट फार्मूला होता है ठीक, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये माइनस का अल्फा बीटा गामा, इसको करना, देखिए इसको सही कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू टेन इनवर्स उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा कि सिंपल में केवल टेन पाई, अब देखिए करेंगे क्या, ये आपका हो जाएगा अल्फा और प्लस का बीटा और प्लस का गामा माइनस का अल्फा बीटा गामा अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा माइनस का गामा अल्फा, अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा और माइनस का गामा अल्फा इज इक्वल टू टेन पाई, टेन पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखिए टेन 180 का मान कैसे निकालते हैं, टेन इसको लिख देंगे 90 प्लस 90, टेन 90 प्लस 90 क्या होता है आपका कॉट 90, कॉट 90 की वैल्यू निकालना है तो कॉट 90 बराबर होता है कितना कॉस 90 बटे साइन 90 मतलब 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, टेन 180 0, ये उधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई सिंपल में सारा 0, तो आपका बचेगा कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मान के चलिए यही सारे क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।